पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, झुंझुनू, कोटा, अलवर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व धौलपुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। आगामी 3 घंटों के लिए जारी किया गया है तात्कालिक अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिस वजह से कहा जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया है, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिएगा कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है प्रदेश के 8 जिलों के अंदर, उसको लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट है जिसमें हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर राजधानी जयपुर, झुंझुनू, कोटा, अलवर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और धौलपुर ये जिले हैं जहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तक ये एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, उसके चलते यहाँ पे बारिश होगी, तापमान में गिरावट आएगी। क्योंकि अगर खासतौर से अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च के महीने में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक एक्टिव हुए, उसके बाद तापमान सामान्य से गिरा, कुछ स्थानों पर सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। लेकिन अप्रैल के महीने के अंदर जब ये पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होना खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। और मौसम विभाग जैसे ही कह चुका है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर इस बार जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी, यानी कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।